हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या होगी आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं और आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्या। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, नहीं कोई स्पेसिफिक शाइन कहले है, ठीक है। तो बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस बनाकर रखिएगा आपके पार्टनर पर, कैसा जाने वाला है आपका नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं सबसे पहले। अगले कुछ घंटों में क्या कुछ फील करेंगे, वो क्या कुछ सोचेंगे, किस एनर्जी में होंगे। थोड़ी सी लो एनर्जी फील कर सकते हो आप, या तो ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर का हो सकता है ये। अगले कुछ घंटों में क्या होगी आपके पार्टनर की एनर्जी, आप क्या लें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फैमिली में कुछ हो रहा है अगले कुछ घंटों में। या तो आपसे मीटिंग कर रहे हैं, आपके फैमिली से मीटिंग कर रहे हैं, आपके बारे में जो इनका ड्रीम है, जो इनका विश है, जो ये चाहते हैं, जो डिज़ायर्स है आपके साथ कनेक्शन को लेकर, अपनी फैमिली को बता रहे हैं, फैमिली में शेयर कर रहे हैं, इनके घर में बात हो रही है आपको लेकर, ठीक है। मुझे बहस दिखाई दे रही है, या कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फैमिली में मुझे डेफिनेटली बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है आपके बारे में। आपके जो पार्टनर हैं बात कर रहे हैं अपनी खुद की फैमिली से, ठीक है। पर हाँ, आपके बारे में बातचीत ज़रूर हो रही है यहाँ पर। कुछ लोग ले ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या थर्ड पार्टी है, या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मुझे बहुत बड़ी फाइट दिखाई दिया है यहाँ पर, चांसेस है होने का इनके लाइफ में, ठीक है। बहस हो रही है क्योंकि इनके मन में आप कंटिन्यूसली चल रहे हो, ठीक है। और आपके बारे में बातचीत हो रही है, रीज़न बता रहे हैं आपसे मूव ऑन करने का, आपसे नो कांटेक्ट में जाने का, या आपसे शादी ना कर पाने का, आपसे दूर होने का, आपसे ब्रेकअप करने का। क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, क्यों ये आपसे दूर हुए, फैमिली को बता रहे हैं, या तो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपसे दूर होने का आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है, या क्यों आप इनसे दूर हुए, आखिर रीज़न क्या है दोनों का दूर होने का। तो ये चीज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और इनकी एनर्जी ऐसा भी है, अगर यहाँ पर पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी ओर बढ़ना चाहता है, या बढ़ना चाहती है। कौन है ये, शायद ये वही हैं जो आपसे दूर चले गए थे। इनका खुद का डिसीजन था आपसे मूव ऑन करना, आपसे दूर जाना, आपको छोड़कर गए, ये खुद गए, क्योंकि उस वक्त इनको वही सही लग रहा था, मेरा मूव ऑन करना ही राइट है, मेरा दूर जाना ही सही है, इससे दूर होना, इसे ब्रेकअप करना, हम दोनों का कॉन्टैक्ट में नहीं रहना, साथ में नहीं होना, यही राइट है, इनको यही लगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है, या वो व्यक्ति आपके लाइफ में लौटना चाहता है या चाहती है, जो खुद आपसे दूर गया था। कार्ड्स यही कह रहा है मुझे, ठीक है। या आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, या मैंने कहा फैमिली में बातचीत हो सकती है, आपके फैमिली में प्रपोजल ला रहे हैं रिश्ते का, या तो अपनी खुद की फैमिली से बात कर रहे हैं ये आपके बारे में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, काफ़ी दिन से फाइट हो रही है, अब एहसास हो रहा है कि ये क्या खोने जा रहे थे, या क्या खो दिया इन्होंने, और अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हो, या तो आपने इनको मैनिफेस्ट किया है।
कोई है जो कि आपको लव देना चाहता है या आपको फैमिली देना चाहता है, आपके साथ फैमिली देख रहा है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दिया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हो या तो आपने मूव ऑन कर लिया है। मुझे ना पास्ट से दिखाई दे रहे हो, कोई पास्ट से है जो कि आना चाहता है आपके लाइफ में या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपने अगर मैनिफेस्ट किया है उसका असर है, या किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंप्लीशन, मैरिज। मैंने ये कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकाला है, ठीक है, जिनको आप सोच रहे हो, जिनको आप याद कर रहे हो, उनकी एनर्जी क्या होगी, तो उनकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है, आपकी ओर बढ़ना, आपके साथ आगे बढ़ना। फैमिली में मुझे कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी थ्रू किसी भी हाल में आपको चाहता है या चाहती है, ये जो कोई भी है आपके लिए फाइट कर रहे हैं, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली में बातचीत नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, तो आपके लिए कुछ बड़ा फैसला ले रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके लिए कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को आप चाहिए या पागल हो गया है आपके लिए या आपके पीछे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं या टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई या वर्गो हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन के हो सकते हैं। नंबर 1, 8, 10, 11, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो 13 नंबर। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लियर करना चाहूँगी, यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनका जो बिहेवियर है आपके प्रति राइट नहीं है, काफ़ी रफ एंड टफ है, काफ़ी क्रूअल हो सकते हैं या बन गए हैं, इनका बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा है, या तो साइलेंट हैं या तो बात करते हैं तो ऐसे करते हैं कि आपको हर्ट होता है इनका वर्ड्स। या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक तो इनसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, या कम्युनिकेट होती भी है, कम्युनिकेशन होती भी है आप दोनों के बीच, तो फाइट हो जाती है, या इनका बिहेवियर आपको हर्ट करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको मूव ऑन करना है, अब आगे बढ़ना है, अब आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आप हीलिंग पर फोकस करोगे, खुद को हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, यही आपके लिए बेहतर है, इनसे दूर रहना ही आपके लिए राइट है, ये सब थॉट्स आपके माइंड में आता है या तो आएगी। तो अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए राइट नहीं है, तो मैं शायद देख पा रही हूँ कि आपसे तो फाइट कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ बैलेंस नहीं है, या इनके एक्शंस, इनका वर्ड्स आपको हर्ट करता है, बट ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपने फैमिली से भी बात कर रहा है, ये उनसे भी फाइट ही कर रहे हैं, या काफ़ी चिड़चिड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ सही नहीं चल रहा है, तो किसी और से भी मुझे उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका गुस्सा या आप दोनों के बीच जो चल रहा है उसका गुस्सा किसी और पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, किसी और को ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, फैमिली में गुस्से गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको आज भी लव करते हैं, प्यार करते हैं, अगर ये पास्ट के हैं, रीज़न बताया जा रहा है कि क्या वजह रही थी मूव ऑन करने का या आपको छोड़ने का, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। आप इनसे क्या कुछ उम्मीद कर सकते हो, अगर ये इमैच्योर एनर्जी में है या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ज़्यादा उम्मीद करना राइट नहीं है, ठीक है। अगर इनका फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, कैरियर पर है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी कैरियर भी हो सकता है या फैमिली, अगर इनका बिहेवियर आपके प्रति राइट ना और राइट नहीं है तो ज़्यादा उम्मीद रखने सही नहीं है इनसे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे जूझते हुए दिखाई दिए हैं, स्ट्रगल चल रहे इनके लाइफ में, तो सबसे पहले वहाँ पर सही करना है इनको, इनकी लाइफ ट्रैक पर नहीं है, तो इनसे उम्मीद मत कीजिएगा अगर इनका बिहेवियर राइट ना राइट नहीं है तो। प्रैक्टिकली आपको अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या उनसे आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है जो आपके लाइफ से गए थे या जिनसे आप मूव ऑन किए थे। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हो? ओके, कुछ लोगों को सेकंड चांस मिलेगी यहाँ पर, या तो ये डिसीज़न आपको सुना रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं कि इन्होंने क्या डिसीज़न लिया है, क्या फ़ैसला लिया है जो कि आपके हक़ में हो सकता है, आपके साथ सेकंड चांस, आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, या तो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आ गए हैं, दोबारा से रिश्ते में आ रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दिया है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप उम्मीद कर सकते हो इनसे, ठीक है। अगर इनका बिहेवियर राइट नहीं है तो ज़्यादा उम्मीद करना राइट नहीं है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है स्पेशली स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में, या स्टूडेंट हैं, कुछ लोग ले आपको इनकी तरफ से एक्शंस काफ़ी राइट मिलेगा, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं अपने बिहेवियर का, अपने एक्शंस का, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली आपको अप्रोच कर रहे हैं, या किसी की तरफ से काफ़ी दिनों के बाद आपको कम्युनिकेशन मिल रही है, वहीं कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुश्किल हालात है, क्या कुछ हो सकता है अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच, आप किस एनर्जी में रहोगे? सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी, अगले कुछ घंटों में आपकी क्या एनर्जी होगी? ओके, आपके लिए मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, आप मुझे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी पार्टी में जा सकते हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, या कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करोगे, आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो, हैप्पी दिखाई दे रहे हो, अगले कुछ घंटों में आपके लिए फ्रेंड्स या फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुश हो, हैप्पी हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रही है, आपका बर्थडे हो सकता है, हैप्पी बर्थडे, या आपके फैमिली में फ्रेंड्स में किसी का, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, आप खुश हो, हैप्पी हो। अगले कुछ घंटों में क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, यूनिवर्स बताएं मुझे, अगले कुछ घंटों में क्या कुछ चांसेस हैं इनके बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है? ओके, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपका कनेक्शन, और कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर, इनका इमैच्योर एनर्जी, या इनका केयरलेस केयर फ्री होना आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, ये सीरियस नहीं है आपको लेकर, इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस, आपका नहीं सुनना आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, आप अलोन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक किसी एक का नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, या ग्रांटेड ले रहे हैं कोई यहाँ पर किसी को, आप ले रहे हो उनको या तो वो ले रहे हैं आपको, तो ये चीज़ दूसरे वाले पर्सन को हर्ट कर रहा है, वॉइस ऑफ वर्ष रीडिंग होती है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ आपको, जो आपसे मैच हो रहा है उसी को लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपका नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, सीरियस नहीं हैं, या ग्रांटेड ले रहे हैं, वो जिस एनर्जी में है रहने दीजिए, उनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझाने की कोशिश मत करें, वो नहीं समझेंगे, उनको जो करना है वो करके रहेंगे, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है मत कहिए, आपने ऑलरेडी बहुत कह दिया है,
बहुत समझा लिया है या बहुत किसी के पीछे भाग गए हो, तो इनको जो करना है वो करने दें, ठीक है? ये समझ जाएंगे, ठीक है, ये समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे थे या ये कहाँ पर गलती कर रहे थे और अब इनको क्या सुधारना है। और वहीं कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर पास्ट में आप दोनों के बीच सब कुछ हो गया है या पास्ट के पार्टनर हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रही है, एहसास हो रही है कि क्या बेवकूफ़ी किया है मैंने जिसके वजह से आज मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। आज जो मुझसे दूर है वो आज किसी और के साथ है, या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये एनर्जी मिला है आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। यहाँ पर ऑल साइंस है, ठीक है? तो टेक केयर, बाय।